हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सिंह पर। तो बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई एक नई नोटिस जारी की गई है जिसमें बीएड के बारे में बताया गया है। तो आज की ये जो वीडियो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चले गए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी टीपीएससी पैट 2023 की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। आपके संपूर्ण गाइड आपको मिल जाएगा। इस गाइड में आपको 2200 से ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न भी मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर मिलेगा जो कि 2022 के सहित है। साथ ही साथ यहां पर आप देख लीजिए जो यहां पर विज्ञापन संख्या 7 उसके सिलेबस के अनुसार यहां पर आपको देखने को मिलेगा। ये जो बुक है आपको मार्केट में भी मिल जाएगा सभी बुक स्टोर पर, साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वहां पर भी आपको मिल जाएगा। हर एक चीज यहां पर दिया गया है, कौन कौन सा यहां पर प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आप यहां पर चले आइए, मतलब कंप्लीट गाइड है। प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको यहां पर कंप्लीट गाइड भी आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए, ये आपके प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाते हैं जो कि 2022 का प्रैक्टिस सेट है। और साथ ही साथ यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए यहाँ पर आप लोगों को हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन भी जबरदस्त तरीके से आपको मिल जाता है। चलिए तो आप लोग यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं यूपी टीपीएससी पैट 2023 की जो गाइड है वो भी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप इसका प्रैक्टिस सेट भी लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप ले लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, ये बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार कोई ना कोई नोटिस जारी हो रही है। 18 को भी जारी हुई, 19 को भी जारी हुई, लेकिन इसमें जो है मेन अपडेट ये दी गई है। 18 को जो नोटिस जारी हुई थी उसमें ये बताया गया था कि उसमें जो निगेटिव मार्किंग है उसको हटा दिया गया है। 19 तारीख को जो यहाँ पर नोटिस जारी हुई है ये यहाँ पर ये बताया गया है कि शिक्षक प्रशिक्षण के किसी भी उपाधि के मान्यता के बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष के समतुल्यता के बिंदु पर किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCT के परामर्श से विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यानी कोई भी डिप्लोमा या डिग्री आप डाल रहे हैं किसी भी चीज़ का, तो अगर उसमें कोई विवाद होता है तो NCT का जो निर्णय है वो यहाँ पर सर्वमान्य माना जाएगा, ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर सीटेट और बीएड पेयरिंग वाले को भी बताया गया है कि आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब से होगा उसके पहले आप लोगों का बीएड और उसके पहले सीटेट, इसके जो है परीक्षा फल आपके पास होने चाहिए, तभी आप लोग इसके लिए वैलिड रहेंगे, नहीं तो आपको अयोग्य कर दिया जाएगा। ये एक बड़ी बात बताया है। कहीं ना कहीं जो बीएड के छात्र हैं वो अभी भी असमंजस में कि पेपर दें कि पेपर ना दें। हालांकि मैं तो यही कहूंगा कि आप पेपर जरूर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपको आगे जो है एंट्री मिल सकती है, तो पेपर आप जरूर दें। कोशिश तो यही करिए कि दे दीजिए अगर आपको देने का मन है तो। हालांकि अभी भी मैं आपको बता दूं कि अभी परीक्षा तो आप दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा फल आपका आएगा, रिजल्ट आपका आज आएगा, अभी इस पर असमंजस है और ये असमंजस रहेगा जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाएगा, क्योंकि NCT अभी कुछ क्लियर नहीं कर रही है और NCT क्लियर नहीं कर रही है इसलिए BPSC भी अभी कुछ क्लियर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए अगर आपका मन है, आपकी अंतरात्मा कहती है कि हाँ जाना चाहिए, तो आप अपनी अंतरात्मा को सुनिए और आप पेपर देने जरूर जाइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली अपडेट है सीटेट को लेकर के। तो जितने भी साथी हमारे आज सीटेट की परीक्षा देने जा रहे हैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत अच्छे नंबर आप लोग लेकर आइए जबरदस्त तरीके से, और सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट। आज सीटेट परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी भाई बहनों को बहुत बहुत जो है शुभकामनाएं हैं। महादेव जी सबकी सबको जो है अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 52,699 ये है सिपाही भर्ती, यानी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का इंतजार पिछले 2-3 साल से छात्र कर रहे हैं, लेकिन ये भर्ती आती है न्यूज़पेपर के माध्यम से आती है, फिर ये भर्ती न्यूज़पेपर के माध्यम से ही चली जाती है। अभी तक ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन फिलहाल अच्छी अपडेट यहाँ पर आई है। देखो, एक बार टेंडर का काम हुआ था, लेकिन वो टेंडर ज़्यादा लोगों ने साइन नहीं किया, सिर्फ एक ही लोगों ने टेंडर उठाया, बाद में जो है उन्होंने उसने भी वापस कर दिया, इसलिए जो है वो परीक्षा जो टेंडर पास नहीं हो पाया। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि अब फिर जो है यहाँ पर टेंडर का काम शुरू हो चुका है। 52,699 सिपाहियों की भर्ती के लिए कार्यदायी संस्थाओं से मांगे आवेदन। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने आरक्षी, नागरिक पुलिस, PSC, विशेष सुरक्षा बल, फायरमैन और नवगठित महिला वाहिनियों में महिला आरक्षी के समकक्ष पदों पर भर्ती के लिए एजेंसी चयन की कार्यवाही शुरू कर दी है। बोर्ड ने 52,699 आरक्षी के पदों पर सीधी भर्ती की परीक्षा और अन्य कार्यों के लिए कार्यदायी संस्थाओं से आशय पत्र आमंत्रित किया है। 25 अगस्त तक कार्यदायी संस्थाओं को बोर्ड में आशय पत्र जमा करना होगा। सबसे बेहतर प्रस्ताव देने वाली संस्था को सीधी भर्ती कराने का कार्य सौंपा जाए। सूत्रों के मुताबिक कार्यदायी संस्था के चयन के बाद अक्टूबर में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करने की तैयारी है। इसमें 20 से 25 लाख अभ्यर्थियों के आवेदन का अनुमान है। बता दें कि 3 वर्षों से पुलिस में करीब 36,000 आरक्षियों की भर्ती की कवायद हो रही थी, लेकिन कार्यदायी संस्थाओं की रुचि न लेने से अड़चन आती रही है। बीते नवंबर में भी कवायद हुई थी, लेकिन सिर्फ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस ने ही रुचि दिखाई थी, जिससे निविदा निरस्त करनी पड़ी थी। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि अब जल्द से जल्द यहां पर जो है इसका टेंडर पास हो जाएगा और आप लोगों को नई भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गई बात? तो फिलहाल यहां पर संस्थाएं रुचि नहीं ले रही हैं, इसलिए विलंब हो रहा है, लेकिन अब की बार उम्मीद है कि टेंडर आपका पास हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगली अपडेट है एपीएस भर्ती को लेकर के। जाहिर सी बात है एपीएस की जो भर्ती है वो 2013 के बाद नहीं हुई है, तकरीबन 10 साल हो चुकी है इस भर्ती को भर्ती नहीं आई है। इसमें बहुत सारे छात्र हैं जो ओवर एज हो चुके हैं, तो वो लोग मांग कर रहे हैं कि इस भर्ती में हमको भी मौका दिया जाए। यहाँ पर बताया गया कि एपीएस भर्ती में ओवर एज अभ्यर्थियों ने मांगा मौका, 2013 की परीक्षा में हुए थे शामिल, भर्ती पूरी होने के इंतजार में हो गए ओवर एज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सितंबर के दूसरे सप्ताह में अपर निजी सचिव के 300 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने जा रहा है। आयोग की ओर से सूचना जारी होते ही पुरानी भर्ती के ओवर एज अभ्यर्थियों ने नई भर्ती में मौका मांगना शुरू कर दिया है। इससे पूर्व 10 साल पहले एपीएस भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ था, यह भर्ती अब तक अधूरी पड़ी है। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं 300 पदों पर भर्ती आने वाली है। जो छात्र हैं जो ओवर एज हो चुके हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि हमको भी जो है इस भर्ती में मौका दिया जाए। तो आज ये थी इतनी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर मुझे कोई और अपडेट मिलती है तो आपको मैं चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा, तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।